बेस, जहांगीर बेस, SHO गुलशन। जहांगीर बेस ईस्ट ओवर। कैसे जा कैसे लेके एक जगह पे नहीं खड़े था ना, मुंह खोल के थे देखने में, फिर वो आया तो ये खड़ा हुआ है। 8 o'clock in the evening, and the night shift is preparing to take over at the Gulshan-e-Iqbal police station. Arms are allocated to the constables before they set out to police the streets. इसमें 20 बुलेट्स हैं, 20 इसमें आती है सर, 15 इसमें, 35 बुलेट्स। Why do you have that? To protect the public and government property, public property, to save the life of public. This is the main motive. For Inspector Jalal, the night shift begins with a case of domestic violence. Jamila claims that her husband has severely beaten and tortured her. There is nothing much that the police can do in this situation. Nevertheless, Inspector Liaquat takes a police detachment to go and question the husband. He finds the house deserted. Shabash. The next day, while the police constables practice their drill, in the duty officer's room, a young man comes in with a knife wound. बुला लो किसी एक आदमी को जो उनको पहचानता हो, उसको ले आते हैं। तो जल्दी जाए, जब तक रिपोर्ट कितनी देर में आ जाएगा? Within minutes of his arrival, Jamal is sent to a local hospital. Inspector Jalal goes off to find the people involved in the knife attack. The same morning, the police bring in a woman accused of a serious criminal offense, adultery. तो उन्होंने बोलते कि ठीक है, हम पंचायत बिठाएंगे तो फिर तेरे साथ सही हो जाएगा। वो पंचायत बिठाते, कुछ भी नहीं होता, फिर ही दोबारा मेरे को भेज देते। मैं अपने मेरे घर रुक जाती, फिर भेज दिया करते, फिर मैं आ जाती, फिर ये मारना पीटना, अपने दोस्तों को घर में ले लेकर आना। इसके दोस्त जैसा दिल चाहता वैसी बातें करते, गंदी गंदी। तो फिर जब मैं इसको कहती, मैं कभी तो ऐसे हरकतें नहीं करा कर, तो बोलता ज़्यादा तंग है तो निकल जा, तलाक लेना चाहती है तलाक ले ले। इसने वैसे मुँह से बोलता था तो बोलता मैं कोर्ट के जरिए तेरी माँ के पास तलाक भिजा दूंगा, तो भिजा ही नहीं इसने अभी तक। फिर मैं इसके साथ चली गई वहाँ पे पंजाब। मैंने कहा बच्चों को मैं इसके पास नहीं छोड़ के जाती, मेरे को मारता है बच्चों को ही मारेगा। तो आपके उस वक्त कितने बच्चे थे? जब मेरे 4 बड़े बच्चे थे। Rukhsana ran away from her first husband and has now been living with another man by whom she's had 2 children. Her first husband has been pursuing her for 3 years and has now finally caught up with her and is accusing her of adultery. Inspector Lodhi is in charge of this case.
तो सर ये बताएं कि जब पहली दफ़ा आप जो चार्ज है इनका वो क्या अगवा का चार्ज? 16,000 जिना का चार्ज। जिना का चार्ज। तो इसका ये मतलब है कि इनकी तलाक नहीं हुई थी, इनकी निकाह कर लिया, इसका ये मतलब? इनकी तलाक भी नहीं हुई थी, बगैर तलाक के इन्होंने वो ले गया और बगैर निकाह भी उसने रखी है, जिससे दो बच्चे और पैदा हुए। ठीक है, ये है इसका। अब क्या होगा? अब इसका कोर्ट में चलान किया जाएगा। लियाकत भी मुल्ज़म है, ये भी मुल्ज़म है, बनेगी रुखसाना और जो अदालत फिर हदूद के तहत जो भी सजा दे वो इसके साथ। तो हदूद का क्या सज़ा क्या है? क्या उसमें संसार भी है, कैद भी है, जुर्माना भी है, जो अदालत मजाज जो भी है इसको अप्रोच करे। Roxana's case will be taken before the courts, but in Karachi the courts are extremely busy. On average, a case can take a year to 18 months before it is heard. Roxana and her children are sent to jail and are still waiting for a court hearing. Meanwhile, in the case of the knife attack, there have been new developments. A suspect Farooq and an eyewitness Hamid are brought in. Officers Jalal and Liaqat handle the case. एक इसके पास था, एक इसके अब्बू के पास था, एक इसके अब्बू के पास था। हम डर से निफजी के बाद चले गए पक्के। तुम इसके साथ था जमाल के? जी हैं जी। जमाल उधर क्या करने आया था? हम लोग मालूम है इसे गया था मिलने के लिए। ईद मिलने? नहीं, ईद में ईद को नहीं जा सकता। आपको बताया हम लोग पहले। मौलव सारे बोलते तुम आ जाओ, तुम फटा मटा नहीं करो, हमने कोई फटा नहीं करेगा। जो कुछ हो गया तो हो गया, जमाल का साथ हुआ, हमारे साथ तो नहीं है। तो हमने किया तो इसके लोग उसको जमाल को देखी दोनों माँ इसे बाबू और इसने जाके छुरी निकल के इसको मार रहा। तो हम छुरी देखे फिर हमने भाग के फौजी के पास चले गया। तुम भाग गया जी? उसको तुमने छुरी लगते देखी अपनी आंखों से? हैं जी, सही कह रहे हैं ना? सही साहब, बिल्कुल बोल रहा हूं जी। ऐसे नहीं कि झूठा कोई बेगुनाह पांडा बन जाए। गवाह नंबर 1 सामने बैठा आई विटनेस गांडू फांसी भी चढ़ देगा। अगर कोऑपरेट करोगे हमारे साथ तो हम तुम्हें वादा माफ गवाह, एक सेकंड, वादा माफ गवाह 169 भी लगा देंगे अगर हमारे साथ तावन करोगे। और सुन, ज्यादा चैंपियन बनने की कोशिश की ना, तू तो चूचा है। बड़े बड़े डाकुओं के कस्बल निकाल दिए हमने, चूचा समझते हैं? मुर्गी बिल्कुल छोटी सी, छोटी मुर्गी जो अंडे से निकलती है। चल अब बता दे साफ साफ, जल्दी का टाइम कम है। साफ को फटाफट बात ये है, ये लोग तो लड़ाई हुआ था ना, इसने मैंने अभी तक तुझे आदमी नहीं लगाया, देखा? अभी सिर्फ ये मेरे बुनगुनों ने तुझे हल्का फुल्की मुसीबत सुनाई। हम तो तुम्हें खा जाएंगे, बिल्कुल खा जाएंगे, चबा जाएंगे। अब बात कर साफ, जल्दी शाबाश। तूने और तेरे बाप ने मारी छुरी उसको? नहीं, मेरा अब्बू का सब लड़ा हुआ, मैं तो छुरा नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं जाकर देखा, तूने मारा वहां? शायद मैं क्या करता हूं, शायद मार, शायद। हां हां हां, एक सेकंड, शायद नहीं, मैंने बोला छुरी तो नहीं सर, ये तो मैं तो उसको बोल रहा था मैं छुरा नहीं, जाकर देखा। क्यों कलम की पहन रहा है उसको मारने? जरा तू तो कह रहा था उसको कील लगी। चुतू, उसको देखा है कितना बड़ा जख्म है, इतना बड़ा छुरी का? उसको जरा तू बता, तू गवाह है ना, अपनी जुबान ने देखा है, सब आंखों देखा है, बता इसको सच्ची बात बोलो। जब हमने खुशी के बाद बाकी जा रहा था, तू और तेरा अब्बू जाके छुरी निकल कर मारा था, हमने बोला एक तरह अब्बू छुरी मार रहे, समझा? तो मैं गया था, नहीं मारा इसने। तुमने क्या किया? मैं जाके छुराया, तुमने थोड़ी छोड़े, तुम छुरी निकल के इसको मारा था। मेरे साथ का छुरी था, काम में साथ के फिर चले गए। मेरे आदमी का छुरी था, तुम्हारा पास था, तुम्हारा अब्बू का पास था। सर ये कोई छुरी है घूमता है? छुरी है। अरे सर ये तमिलनाडु वाला। अभी सब बॉबी भी चेक करना है, बॉबी चेक करेगा तो निकलेगा सर। तेरे को तो हम बंद करेंगे बैंचो तखरीबकारी में, और ये तुम ट्रेंड आदमी हो बैंचो, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके वहां से सारी ट्रेनिंग लेके आए हो, समझे ना? तुम्हारे को तो मैं अच्छी तरह पहचान। हां हां हां, बाबा बाबा रे, बहुत सही बताएगा बाबा रे। देख बाबा ने क्या माटी खा जाता भाई, क्या माटी खा जाता भाई? देख मामा ने गलत। हां शाबाश, शाबाश जी सर। हां किसने मारी छुरी? मैं आपको एक ही बात बोल देंगे सर, मारने से कोई फायदा नहीं। फायदा तो बहुत है बेटा, ऐसे तो तुझे हम पहले चाय की पिलाएंगे, तुझे दूध भी पिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, आराम से तुझे घर छोड़ाएंगे जाके, क्योंकि तू तो हमारा चाचा बाप लगता है ना, वो भी होता तो वो भी है, मारेंगे तो नहीं हम मारते तो नहीं। जब ये तेरा इलाके का आदमी है ये बोल रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा ये छुरियां मार रहा था, इसका वारिस है, ये तो कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। ये कोर्ट में खड़ा होकर बोलेगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसको झूठ बोलने में क्रेडिट नंबर का सवाल है। एक मिनट,
किसको कितनी नफलों का सवाब है, मर के इसने अपनी कब्र में जाना है, इसने भी खुदा को जवाब देना है। अगर ये बहन जो झूठ बोल रहा है ना आज नहीं तो कल इसके सामने आ जाएगी बात। अभी तुमने ये कहा था कि उसको कील लगी, एक मिनट, तूने कहा था ना बात कि कील लगी है, तुझे कैसे पता कि कील लगी उसको? भाई तुझे तो वहाँ था ही नहीं, तू कह रहा मैं तो था ही नहीं। मैंने इसको बोला भाई क्या वो कील है, देख रहा है इतना बड़ा चाकू का निशान है। तो फिर वो तो मैंने मैं हाथ हाथ पे इतना बड़ा चाकू का निशान और ये पूरी कमर पे पीछे इतना सा देखा मैंने हाथ में। मोबाइल में डाल यार किया करो उसको बोलो जल्दी आओ जैसे ट्रेनिंग करके आते हैं। हां तमिलनाडु टाइगर उनके आदमी है ये लोग, फुल ट्रेंड लोग हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ आ रही नहीं आ रही। इंस्पेक्टर जलाल एंड लियाकत रियलाइज दैट फारूक इज एन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट। Calling him a Tamil terrorist or a member of the Black Tigers is only a way to pressurize him into confessing his crime. They know that no such groups have ever operated in Karachi. Inspector Jalal decides to pick up Farooq's father Alam from his house, taking the eyewitness Hamid with them so that he can point out the house and identify Alam. चलो अपने अपने घरों को हाथ में छोड़ दो, गली खाली करो, अपने अपने घरों में जाओ। चलो गली में कोई नजर नहीं आया। दरवाजा पीछे है रास्ता, पीछे है इसका मकान का रास्ता, बस यही खड़े रहो। खोलना अंदर कौन है? मेरा बच्ची लोग है, कोई नहीं है। मर कहाँ गया तेरा? मरा तो फौजी पर गए। आलम का है, आलम जी हाँ गए अभी फौजी पर गए, कर्नल के पास गए। ये क्या हो रहा है भाई, बिटबट मड़वा रहा, क्या हो रहा है? ये कुल लगवा दे, बोला तो कर्नल के पास गया हुआ है। कर्नल के पास गया हुआ कौन? इसने कहा था इसको तो लेकर गए थे वो पकड़। हां हां चलो चलो, मेरा घर पूरा खुला हुआ है, देख लीजिए पूरा घर मेरा खुला हुआ है। ये तो मुस्लिम है, ये कहां से आ गया? मुस्लिम के साथ मेरे घर जाना चाहिए था इस मुस्लिम को लेकर। हमारे घर क्यों आया आप लोग? ये प्लांटेशन करने आया है, ये हमारे कस्टडी में है, ये हमारी हिरासत में है। अच्छा तो हमारे घर भेजा आपको किसने? एक बात आप आलम के घर आया है ना आपने? ये आलम की आदमी नहीं है, आलम की मुस्लिम है ये। मेरी बात सुनो मेरी बहन, मेरी बात सुनो। ये हमारे पास है मुलजिम है, इसने सिर्फ प्लांटेशन घर की निशानदेही करनी थी कि आलम का घर कौन सा है। हमें नहीं पता था घर का। अच्छा आलम का है? अच्छा आलम का है वो तो गया है ना गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास किया था इसका वो भी दिया साथ में है ना। फौजी लेके गए उसको? कौन सा फौजी लेके गया था? कौन सा फौजी लेके गया था? पता नहीं भाई, इससे पूछे, ये खुद बुला के लाया, इसे पकड़ के ले गया था वो फौजी वाला ने। गवर्नर के पास गया बोल रही? गवर्नर के पास? गवर्नर नहीं, गवर्नर कौन सा हो जो मतलब नहीं, बहुत कौन सा गवर्नर है? क्या नाम है उनका? सफदर सफदर गवर्नर नहीं है वहाँ पर, वो क्या आलम has gone to the army authorities to register a counter claim against Jamal, the man attacked by a knife. For Alam, this is an obvious ploy. He is trying to exploit the tension between the police and the army. Since June 1992, the ultimate authority in Karachi is the army.
Inspector Jalal now has to contact them to get hold of Alam. Later that evening, in the radio control room, Assistant Sub-Inspector Nadir and PC Baksh put a suspected pickpocket through their version of a lie detector test. अच्छा जब आपने इसको पकड़ा तो चलती गाड़ी में पकड़ा जाएगा रुकी बस में? नहीं मैंने इसको रुकी बस में पकड़ा जब बस रुकी ना गाड़ी जब मैं उतरा ना मैंने नीचे उतरता था ना मैंने हाथ लगाया ना उठ के मैंने हाथ लगाया जेब में अच्छा तो मेरे पैसा नहीं था फिर मैंने जब गाड़ी रुकी उस टाइम ये अकेला ही था या और भी इसके साथ कोई आदमी भागा? ये अभी फ्रंट आगे से ये आ रहा था और मेरे साथ बैठ गया ये आगे से आया ये उधर से चढ़ा है ये उधर से चढ़ा है आगे से फिर आगे से फिर ये क्यों आया मेरे पीछे सीट देखा एक मिनट इसकी मैं डॉक्टरी करता हूँ इसकी बाबा पक्का इधर इधर हाथ रखो ना इसका इसका दिल जो है ना ऐसे चल रहा है कि जैसे पक्का चोर होता है ऐसे डर और खौफ से रखो ना हाथ रखो आप देखो इधर दिल को छोड़ उसके हाथ बता रहे हैं हाथ क्या इधर देखो साहब सारा दिन मजदूरी करते हैं सारा दिन तो मजदूरी जो तुम करते हो ना वो तो यही ही करते हो मजदूरी के किसी की जेब को दिया छुरी ऐसे जुबान ऊपर ऐसे करते ऊपर उठा दे बिल्कुल जुबान ऊपर उठा दे ब्लेड कहाँ गया यार इसका मुँह चेक करिए ब्लेड पता नहीं एक साइड में ऐसे बिल्कुल अंतर रखते हैं ये लोग इसको कुछ पता नहीं चलता आदमी पहचान ही नहीं सकता बिल्कुल इतना बड़ा टुकड़ा होता है बस छोटा सा कॉलम वो जोर से जबान की मुझे पता नहीं किस जबान इधर 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 नहीं इधर कुछ भी नहीं है साहब नहीं इसका साथी होगा दूसरा मैं मजदूरी करता हूँ इधर करता हूँ ये सेठ रफीक के पास रहता किधर है रहता मैं उनकी फैक्ट्री में हूँ कौन फैक्ट्री ये गुलशन इकबाल में नदी के साथ नंबर में नंबर का मेरे को मालूम नहीं है बाकी एक में जी नदी के साथ जी किस चीज़ की फैक्ट्री फैक्ट्री है ये जी ये सेठ रफीक का है ये सेठ रफीक का है जिसके पास तुम काम करते हो जी हाँ और उनकी दुकान है सब्जी मंडी में किस चीज़ की ये दवाइयाँ नहीं होती हैं ये जो फसलों को लगती हैं अच्छा उनकी ये वो जो पर्ले फाइव स्टार होटल के बराबर में जहीर होटल के बराबर में जो है जी अच्छा अच्छा तुम बता दो सही सही बात समझे साहब अभी नहीं कसम उठवाओ जब जो उनसी कसम बोलो मैं उठाता हूँ कसम तो चोर आदमी उठाता है मेरे को पता नहीं है चोर आदमी का काम यही होता है कि कसम खाना तो ये है कि तुम सही सही बता दो तो तुम्हारे से जो है ना बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारी शक्ल बता रही मैं आगे बैठे नहीं मैं चढ़े ही पीछे वाले दरवाजे से जहाँ से मैं उतरता हूँ आगे से मैं जिस तरह उतरा ना मैं तो ये मेरे साथ क्यों बैठ गया ये जब ये आगे बैठा था चढ़ा था उधर से जो सीट ने पकड़ी थी फिर छोड़ी की उसने और मेरे साथ क्यों बैठा आगे हाँ नहीं साहब मैं पहले अगली सीट पर बैठा ही नहीं हूँ मैं चढ़े ही पीछे गेट से हूँ मैं चढ़ा ही पीछे गेट से भी करता हूँ इससे इसका जो है मालिक बता रहे हैं जान कहाँ के रहने वाला भाई मैं बहावलपुर 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 अच्छा इसमें एक लगा दो मैं तो कहता हूँ इसको एक ज़रा सही कर दो इसके बोलने की क्या जरूरत थी इसने बोला कि मेरा जेब एक छलवार में भी है इसकी क्या जरूरत थी पूछा ये तो मैं खुद इसकी कमीज ऊपर करके मैं जेब इसका देख सकता था भाई और तो नहीं है यहाँ इसमें यहीं तो नहीं डाला हुआ है तो इसने मुझे ये भी बोला कि ये खुद बोलता था ना ये ऑटोमेटिक इस पर मेरा शक हुआ ना कि ये मुझे ऐसी बातें कह रहा है कि भाई ये भी जेब देखो ये फलां देखो तो अच्छा आप उतर गए थे बस से नहीं नहीं मैं बस से उतरा ना हाँ बस से उतरा देखिए नादर साहब पहले इनके साथ कोई और आदमी बैठा हुआ है वो उतर गया और दोबारा ये बैठा वो कैसा आदमी था कैसे बताएंगे उम्र रसीदा था वो मतलब कैसा लगता था बस जैसा काले रंग का था पतला था बीमार था जैसे और तकरीबन उसकी उम्र जो थी वो तकरीबन 60 साल की या 55-56 जैसे निकल वो कहाँ उतरा था वो यहाँ उतर गया बीच में कोई नहीं कितने बजे की बात है ये अभी की बात है ना वैसा भी कोई आधा घंटा भी नहीं हुआ है ना वैसे वो गेम वो कर गए ये आप
इस पर आपका शक नहीं था? More developments in the knifing case. The army have held Alam, who went to complain to them and handed him over to the Karachi cops. Alam and his son confessed to having attacked Jamal with a razor knife early that morning. पीछे से मेरा ये बेटा आके कैसे मारा नहीं मेरा हमको पता नहीं है जमाल हमको पकड़ा मारा है क्या मारा था उस तरह उस तरह इसने मारा था एक्चुअली उस तरह जमाल की तरह उसकी पीठ घूमी है तो वो पीछे हम ऐसे पकड़ रखा था उसको इससे पकड़ा था वो मेरा गरीबन पकड़ा हुआ हम उसे गरीबन पकड़ के हम इसे रखा उसको हाँ तो ये पीछे से आके हमको पता नहीं है पहले आके वो लोग हमको पकड़ा पहले दुश्मनी है सर ये है कि इधर लड़कियाँ बेचते थे लोग वो कहते हैं आप लोग लड़की बेचते नहीं हमारे पास सारा सबूत मौजूद है अच्छा तुमने शादियाँ कितनी की हैं कितनी शादियाँ की हम तीन शादी किए तीन शादी दो तीन दफे मारा मेरा बेटा को छुरिया मारा है मेरा बेटा का देखिए 72 ताका लगा है मेरे बेटा को चलो इसने ये जमाल लोग जमाल जो है ना इसका ना इधर नाना नानी है ना इसका माँ बाप है ये लोग 20-25 लड़का इधर ये लोग रखा हुआ है दलाल लोगों ने पॉकेट हैं ये लोग दलाल हैं दलालियाँ एक मिनट उनका कहना ये है कि ये लोग पिक पॉकेट्स हैं काम क्या करते हैं आप हमारा दुकान है दुकान तो अभी जो झगड़ा में बंद हुआ जूस का दुकान है जूस का जूस की हाँ जूस की दुकान है हमारा जूस का दुकान है मेरा बेटा गार्मेंट्स में काम करता है हाँ इधर ही था अभी ले गया एक नंबर में इधर था अभी एक नंबर ले गया हम अच्छा हाँ मेरा बेटा गार्मेंट्स में काम करता है मेरा दोनों बेटा गार्मेंट्स में काम करता है डेढ़ महीने से ये काम छोड़ा हुआ है ये सुरापुर के पीछे हाँ ये कितने अरसे पहले लगी थी कितने डेढ़ महीना डेढ़ महीने हुआ ये किसने मारी थी जमाल ने केस रजिस्टर हुआ था थाने में केस रजिस्टर हुआ था लेकिन इन लोग को कोई किसी को पकड़ा नहीं है इन लोग को पुलिस वाला लोग ने जमानत कर दिया है ये कोई झगड़ा भी नहीं था कुछ नहीं था ये हमारा भाई है इसलिए मोहल्ले का आदमी ने मार के दिया मेरे को मार के घर पे बैठा के रखा पुलिस ले जाके बुला के मेरे को दिया सारा और दलाल ने जो बॉन्ड दिया सब दलाल ने बॉन्ड दिया कागज मेरे पास है They belong from the Bangladesh and non-Pakistani. All of the criminals of Bangladesh came in and they are entering in this country and create the problem so many. The total offense of this PS is more than 1500 per annum. And you know about that 1400 crime jo hai sir Bengali karta hai yahan par.
हम तो हुकूमत से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, सरकारी अहलकार हैं कि इनको किसी सूरत से जो किया जाए। गैर कानूनी तौर पे शनाख्ती कार्ड बनवा लिए, दूसरी सहूलतें उन्होंने हासिल। These racketeers, characterized by the police as illegal immigrants, have very little political clout or consequence. They were released a few days later without a charge. The police are almost content to leave them to their tangled webs of prostitution and petty vendettas. 2 weeks after we left Gulshan Iqbal, PC Naeem was shot and killed during an encounter with armed robbers.